हेल्प, मदद करो प्लीज प्लीज, इन अरे इन मधुमक्खियों से मुझको बचाओ। हेल्प मम्मी, ओ नहीं। तुम बहुत सही भाग रहे हो लगे। यही तो, तुम मूर्ख हो। ये सारा सम्मान जाता है मेरी मधुमक्खियों को, मेरा सबसे घातक गुप्त हथियार कभी भी चल जाता है। तो तुम्हारा लखा के खिलाफ क्या गुप्त हथियार है? मेरा? वाह, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक भी नहीं है। वैसे मेरे पंजे बहुत मजबूत हैं। तुम्हें पता है कि बहादुरों के पास भी हमेशा एक या दो हथियार होते हैं? बताओ भाई, ऐसे भागकर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गुप्त हथियार खोजने जा रहा हूँ। लगता है ये सीरियस है। ये बहुत ही छोटा शानदार हथियार है। डब्लू मेरी खोज पे हैरान हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ। अरे वाह, यही तो मैं चाहता था। लगता है लखा फिर आ गया। ठीक है, इस बार मजा चखाता हूँ। उसके सर पे निशाना लगाता हूँ। ओह मेरा पिछवाड़ा। कौन है वहाँ? फिर से एक बार। नहीं लगा। ये तो बबलू है। शर्म करो, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे परेशान मत किया करो। अब मुझे अपना ये गुप्त हथियार आजमाने की जरूरत नहीं है। गुप्त हथियार? ये तो मुझे खिलौने की तरह लगता है। हे, दूसरा लो, ये लो, ये लो। ओह, कब तक बचोगे? ये मेरा आखिरी बार होगा। मेरे गुप्त हथियार को छोड़ दो। चुपके पीछे से हमला करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? वैसे अब बता दूं कि अब मेरी बारी है। मुझसे दूर ही रहो। बकवास गंदा भालू। अब मैं क्या करूं? अगर खाली हाथ वापस जाऊंगा तो डब्लू मुझे चिढ़ाएगा। एक काम करता हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लखा। इसे मारने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुम मेरे ऑफिशियल गुप्त हथियार हो। तुम फिर से गंदे मोटे भालू। इस नए गुप्त हथियार की जांच कर रहा था। हे लखे, ऐसा लग रहा मेरा नया हथियार काम का है, समझे? तो
क्यों भाग रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ओ दुष्ट लखे, अब बच मेरे पास से। हाँ, अब बचा अपने आप को। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? रुको। ये तो मजेदार है, मुझे बचपन की याद आ गई। करते रहो, मजा आ रहा है। बस बहुत हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये चाहते हो कि मैं नीचे ना देखूं? हाँ, दुष्ट लखे। चलो आओ। नहीं, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तुम डरपोक हो, यहाँ वापस आओ, अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, बहुत हो गया। डरपोक, मेरा गुप्त हथियार टूट गया। वैसे तुम्हारा हथियार तो बिखर गया, अब मैं तुम्हें मेरे गुप्त हथियार दिखाता हूँ। यहाँ आओ, अरे मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। दूर रहो मुझसे लगे। मैंने देख लिया तुम्हारे पैरों में भी। भागो भागो। इतनी सारी मधुमक्खियाँ, मदद करो, मदद करो। तुमने देखा, मुझे लगता है कि मेरी मधुमक्खी का कमाल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहा। ओ लूजर। हे बबलू, कहाँ जा रहे हो? वाह, रुको रुको रुको, एक मिनट। हे बबलू, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई मुझे नीचा दिखा रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, डब्लू के पास मधुमक्खियाँ हैं, लखा के पास गन, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारा हथियार बनूंगा। तुम? हाँ? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मुझे क्या मिला। हेलो। क्या कहते हो? ठीक है, हम एक टीम बना सकते हैं और हमारी टीम कमाल की होगी। ठीक है चिंटू, टाइम है कमाल दिखाने का। ये क्या था? हटाओ, जाओ यहाँ से। उतरो यहाँ से। ये हंसना मत करो तुम, मैं तुम्हें देख लूंगा। पांच साल की लेरी, मेरे रास्ते से हट जाओ। कभी नहीं। जाओ। अब मेरी बारी। अभी बता दे। आराम से। भाई लखा कहाँ है? ओ, पर मुझे नहीं दिख रहा। पेड़ के नीचे शायद कुचल गया। ये रहो।
बबलू मुझे पता है डब्लू, ये सब मेरे गुप्त हथियार की वजह से हुआ। तुम्हारा मतलब है चिंटू? नाश्ता, दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन। इस माइक्रोवेव ओवन से सब कुछ कितना आसान हो जाता है। ठीक है। बहुत अच्छा, यम। लखा को बहुत भूख लगी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाई धीरे चलो, मैं और नहीं दौड़ सकता। हेलो डब्लू, मुझे भूख लगी है भाई। चलो डब्लू, हमें अपना शरीर ठीक रखने के लिए व्यायाम की जरूरत है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाना। भाई मैं आ रहा हूँ। हे डब्लू, वापस आओ यहाँ, कहाँ जा रहे हो? क्या कमाल की खुशबू है। भाई इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। रुको रुको रुको। भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब इसमें पॉपकॉर्न रखता हूँ, 3 मिनट लगेंगे। बस तब तक मैं फिल्म देखता हूँ। जल्दी करो, चलो अंदर जाओ। अरे भाई ये सब यहाँ पर क्या है? सारा पता नहीं है, लेकिन ये मशीन तो बहुत कमाल की है। तुमने देखा इसमें से कैसे स्वादिष्ट हैमबर्गर बाहर आते हैं? ये आवाज कैसी थी? मैं देखता हूँ। तो है क्या है? नाम। ये तैयार है। चलो भागो। हेलो मिस्टर पॉपकॉर्न, मैं यहाँ हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा सोडा। ये काम उन पागल भालुओं का है। अगली बार जब तुम मेरे हाथ लगोगे तो मैं जंगली बन जाऊंगा। हे, क्या तुम आराम नहीं करोगे? आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? लखा खाना खत्म कर दे, उससे पहले मुझे वहां जाना होगा। ठीक है। हे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। सब ठीक है गंदे भालू, अब फिर से मेरे घर आओगे तो मारे जाओगे। आ जाओ। हे डब्लू आ गया। अरे मेरा सर। डब्लू पहले तुम चलो आगे, जल्दी इस रास्ते से।
हाँ, हमारा आज का दिन अच्छा है, लखा यहाँ से जा चुका है। तो भाई हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी। अरे ये क्या हो रहा है, अरे मेरे चारों ओर इतना अंधेरा क्यों है, अरे तुम कहो भाई, भाई भाई तुम कहो, संभल के। मेरा पैर। क्या लखा ने इसे यहाँ लगाया होगा? डब्लू ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चलो पहले अपना काम करते हैं, खाना ढूंढते हैं। डब्लू तो भोजन के लिए कुछ भी कर सकता है। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या लगता है, लखे की कोई चाल है। अब सब मेरा है, स्वादिष्ट भोजन हमारे लिए। डब्लू भाई मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें वहाँ जाने से पहले क्या सोचना मतलब चाहिए था? तुम्हारा लखा ने इसे अंदर डाल दिया था, मैं उससे नफरत करता हूँ। भाई भाई जल्दी से खाना लेकर आओ, जल्दी करो। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल अलग हो, जब तक तुम्हारे मन में खाना है तुम किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। हाँ चलो ठीक है, बस 3 मिनट और। यही वाला है, शायद हो चुका है। अब हम खाना खाएंगे भाई, तुम मुझसे बड़े हो इसीलिए तुमसे पहले मैं खाना खाऊंगा, कैसा है ये विचार? अरे ये तो बहुत सख्त है भाई, मैं इसे कैसे खाऊंगा? सच में? तुमने बिल्कुल सही कहा, लखा ने ऐसा किया होगा ताकि हमें कष्ट हो, मैं इसे नष्ट कर देता हूँ, अभी इसे तोड़ता हूँ। लगता है तुम इसे गलत ढंग से चला रहे हो, चलो फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है? ठीक है, शायद हमें कुछ अलग पकाना चाहिए। आज सुबह से ही पेड़ काट रहा हूँ, काफी काम निकाल लिया। अब समय है घर जाकर एक गिलास दूध पीकर आराम करने का। इस समय काम करेगा? बिल्कुल। गंदे भालू, ये जाल उन पर काम नहीं किया, बड़ा धमाका करना होगा। भाई डिब्बा बंद भोजन और अंडे वहाँ एक साथ रखे हैं, वो एक ही समय में पकाएंगे, जल्दी पता लगा लेंगे। तुम मोटे भालू यहाँ से जाओ। डब्लू दौड़ो, लखा हो गया। चलो इस तरफ। मैंने तुम्हें फिर पकड़ लिया। रुको, यहाँ खाना पकाना है। तो तुम यहाँ मोटे भालू, तुमने मेरा खाना चुराया और मेरे घर को खराब कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वास्तव में तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हे भगवान, तुमने इसका क्या किया? मैंने केवल कुछ अंडे, कुछ चॉकलेट, एक डब्बा दूध और कुछ। क्या माइक्रोवेव में एक मुर्गी ऐसे डाल सकता है? यहाँ विस्फोट होगा। तुम भालू हमेशा चीजों को ऐसे बर्बाद क्यों करते हो? क्या तुम जानते हो भाई, बहुत ही अच्छा स्वाद है। हाँ।